नमस्कार। स्वादिष्ट भरुआ छंचेड़ा बनाने की विधि। भरुआ छंचेड़ा जो स्नैक और स्टफ्ड फ्राई से बनाने की विधि। सामग्री 1 किलो छंचेड़ा लिए हैं हमने। आप इसे आधा किलो ले सकते हैं। आधा किलो छंचेड़ा 4 जने के लिए आराम से हो जाता है, क्योंकि वो बनने के बाद बहुत कम हो जाती है। 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 2 सूखी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा, आधी चम्मच से ऊपर पीली सरसों, पानी डालकर इसे एक अच्छे से पेस्ट बना लेना है। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच सरसों का तेल, स्वाद अनुसार नमक। पहले सभी चचिड़े को अच्छे से छील लेना है, इनके छिलके उतार लेना है और इसे धोकर 2-2 इंच लंबाई पे काट लेना है। इसको काटने के बाद बीच में एक एक चीरा लगानी है। सभी चचेड़क को चीरा लगा लिए हमने। अब इन मसाले जो पीसे हुए हैं, एक बर्तन में कटोरी में हम 2 बड़े चम्मच सरसों का पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालकर एक मिश्रण बनाएंगे। इसी मिश्रण को हम चचेड़क के अंदर थोड़ा थोड़ा भरेंगे, ज़्यादा नहीं भरेंगे। ज़्यादा भरने से ये कढ़ाई में चिपक जाता है। थोड़ा थोड़ा भरने के बाद 1 चम्मच तेल गरम किए, आधे आधे किलो करके हम 2 बार में ये 1 किलो चचड़े को फ्राई करेंगे। अब इसे डालने के बाद थोड़ी सी नमक ऊपर से छिड़केंगे, आधे किलो जो चचड़ा हम डाल दिए। अब इसे ढककर हम 7 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच पे पकाएंगे। 7 मिनट के बाद ढक्कन निकालकर इसे दोबारा पलट देंगे। सभी चचिड़े को पलटने के बाद हम दोबारा ढक लेंगे और ढक के धीमी आंच पे इसे हम और 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। 5 से 7 मिनट के बाद हम ढक्कन उतारेंगे और इसको थोड़ा चलाते हुए मध्यम आंच पे हम फ्राई करेंगे। ज़्यादा इसको कड़क नहीं फ्राई करना है और ये मुलायम ही बहुत स्वादिष्ट बनता है। ये चचिड़ा की भाजी बन के तैयार हो गया है। 7 मिनट जब हम ढक के पकाए और उसके बाद हम थोड़ा सा फ्राई किए, अब ये चचिड़ा भाजी आप ज़रूर बनाना और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, नए नए व्यंजन के लिए। धन्यवाद।